बोल जादू और बोल जा हरे कृष्णा एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज का व्लॉग जो हमारा है हमारे उत्तराखंड संस्कृति पे बेस है, जो हमारे नोएडा स्टेडियम में लगा हुआ है। ये बोलता है पहले बोलता है, फिर मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है। ये बोल नीचे लिख देंगे, नहीं ये पहले इंट्रो देता है। हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग हमारे, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो आज का व्लॉग हमारा होने वाला है हमारे नोएडा स्टेडियम में उत्तराखंड मेला लगा है, कौथिक मेला। तो आज हम दोनों और हमारे कुछ मित्र साथ में जा रहे हैं। और आपको जो उत्तराखंड का मेला जो लगा है वो उत्तराखंड की संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि क्या क्या उत्तराखंड में होता है, क्या क्या चीज़ें होती है। तो हम आपको बेसिकली वहाँ का कल्चर, वहाँ क्या खाते हैं पीते हैं, कपड़े क्या होते हैं वहाँ के, तो ट्रेडिशन उत्तराखंड का ट्रेडिशन आपको दिखाया जाएगा जो नोएडा स्टेडियम में हो रहा है। ये हर साल होता है ठंडियों के टाइम पर। चलो तो फिर ये कितना रिकॉर्ड करना है, बिना पाँच दिन का लगता है। तो विदाउट एनी ग्लिचेस हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये व्लॉग। तो ये है अमित शर्मा और ये है स्वाति कनौजिया और ये है हमारा नोएडा स्टेडियम यहाँ का, और ये है प्रियंका गुलड़िया। ये बंदा बहुत सीरियस है अपने काम में, आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी। मैंने आपके सारे ब्लॉग देखे हैं सर, आजकल मैं आपके रोज एक ब्लॉग देखता हूँ, सारे ब्लॉग देखता हूँ, और मतलब मैं आपके ब्लॉग देखे बिना सो नहीं पाता। तुमसे ना हो पाएगा भाई, इतना सीरियस क्यों हो गया इसको, तो इंटरव्यू थोड़ी ना ले रहा। मतलब मेरे को वो एक तो गोपी बहू और एक आपका ब्लॉग मैं रोज देखता हूँ। किसका बहू? गोपी बहू। तो आपका इंटरव्यू थोड़ी ना रहा, माई सेल्फ क्या यहाँ से गोलियों से गोलियों के बाहर कर रहे हो कैमरा टाइम। तो चलो 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 आप चलते हैं हम कौथिक देखने। आज भी नहीं उतरी यार, मैं हर जगह कैमरा मैन ही क्यों रहता हूँ यार। राम राम भाई ने, आज हमारा 74 दिन है। आज हम देसी घी लेने जा रहे हैं, फिर उठक बैठक करेंगे, फिर बैठक उठक करेंगे, फिर सपाटे मारेंगे। अबे यार बस इसलिए मैंने चला, अरे नहीं नहीं आई कैन मैनेज। ये देखिए चांद हमारा दिख गया। कंट्रोल कंट्रोल अनफॉलो कर दिया, तू डाल या ना डाल मुझे कोई मतलब। एक सब्सक्राइबर जा रहा है, सब्सक्राइबर जा रहा है। नहीं भाई तेरे चैनल में तारे भी लगा दूंगा, ऐसे बुरा क्यों मान गया। मुझे एडिटिंग से वहाँ बाल चाहिए। और लास्ट डे है हमारे इस मेले का, तो इसलिए बहुत भीड़ हो रखी है। सारे हमारे सेक्टर के मतलब पूरा नोएडा का ऐसा लग रहा है कि सारे उत्तराखंड वाले फेसरी के 12-22 के और आसपास के एरिया के आ रखे हैं, सारे पहाड़ी हैं ये। तो वेलकम भाई, भीड़ देखे ना।
सर आप इस उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? सतेंद्र जोगी। और ये लोग ले रहे हैं शॉल, ले रहे हैं जिसमें ना स्लीव्स नहीं होती, बस हुड होता है और इसमें मल्टी कलर्स होते हैं बहुत सारे। और ये ले रहे हैं पर ले नहीं पा रहे, कोशिश कर रहे हैं लेने की। और हमारी एक आदत है, हम बहुत हंसते हैं कहीं जगह आके और कुछ ले नहीं पाते और फिर हमको बेइज्जती करके भगा दिया जाता है। ये बहुत गरीबी है, मैं बस स्टॉल पे जाके चेक कर सकती, खरीद नहीं सकती। वो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, वो मैं समझ गया था शक्ल से। झुंगुरा खीर वो भाई, ये दलिया है। रोटी के साथ खाते मजा आता है। कुछ नहीं, रिप्रेजेंट हेल्दी को कर रहे हैं। हेल्दी 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 फूड यू नो। जिससे लड्डू बनाते हैं वो वैसे वाले चौलाई के लड्डू। सही है, तुम छोड़ो ना, तुम क्या करोगे, तुमको खाइए। खाएंगे किस सब? गाली दे रहा है। मैं नाराज हूँ। खाते बार बार बोला मेरा जुगाड़ है, मैं जुगाड़ है मत बोल मत भाई। बोले यार तुम क्यों? उसने मुझे इतनी बड़ी बात की, क्या मुझे एक टाइम लैप देना ऊपर से। मैंने कहा ऊपर का बोला, मैंने ऊपर का बोला। ये हमेशा बोलते हैं कि इनका जुगाड़ है, तेरा भाई का जुगाड़ है, तेरा भाई का जुगाड़ है। मैं अभी भी बोलूंगा, मरते दम तक बोलूंगा। बुरा है यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तेरे भाई का बहुत जुगाड़ है, तेरा भाई का बहुत जुगाड़ है। घूटे लोग घूटे पसंद बाड़े क्या। अरे बार बार बोल रहा क्योंकि दाने दाने में केसर का स्वाद, रजनीगंधा बाने मसाला। यहाँ ज्वेलरी भी मिल रही है, नकली होती है। तो क्या ले रही है? मेरी नाक तो यार भरी हुई थी कार्ड के ऊपर। अब तो हरी हरी। माय नोज इज सो मच लोडेड। ये उत्तराखंड की दालें जरूर भैया, ये यूके मार्ट से है, yukemart.in से। अगर आपको कुछ लेना है तो इसमें जाके वेबसाइट में आके आप ऑर्डर कर सकते हैं। प्रमोशन हम तो ऐसे करो, घर के लिए इनसे लेना चाहिए। मैंने देखो कार्ड दे दिया, कार्ड है सर, आप यहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये भैया का कार्ड है, पहाड़ी तो भाई तू लग रहा है। अच्छा ये अच्छी लग रही है। कितने की आंटी? आंटी ने पहले सही रेट बोल दिया था गलती से। आ गए हमारे दोनों डांट भाई, डांट से दूर रखने टोपी लेनी पड़ेगी। ले ली? अब तो आ ही गया ना, लोग अब तो आ ही गया।
राजू राज मोरी क्यू का मतलब क्या होता है? मर गया और क्या होता है? मर गया भाई मोरी क्यू प्रेम के साथ भाई प्रेम के साथ है। नमस्कार दगड़ियों, ये छू भांगोल भांग के दाने। हाँ ये भांग के दाने हैं, ठीक है। जो भांग हम जो वीड होती है बेसिकली जो लोग पीते हैं वही वाला भांग, तो बस ये नशे के लिए नहीं होते, इसके बहुत फायदे होते हैं हेल्थ के लिए। तो ये भांग की चटनी आप गर्मियों में खाओगे तो आपको पेट से कोई भी संबंधित रोग नहीं होगा, ठीक है। आप इसको चटनी में बना के खा सकते हो, ठीक है। आप इसको सब्जी में भी मिला सकते हो और इसकी चटनी बहुत अच्छी होती है। आप इसको खाली भी खा सकते हो और ऑर्डर करने के लिए मेरा नंबर दे रहे हो। आप इसको खाली भी खा सकते हो। उसको कहते हैं भांगुल ठूंगना। भांगुल ठूंगना मतलब इसको जैसे मूंगफली खाते हैं वैसे दांतों में भर लो, दवा चबा लो, ठूंगो, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग होता है और मेंटली भी तुम्हारे लिए अच्छा होता है, मेमोरी के लिए। सही है। कितने का ये राजू? अबे मत ले, गांव से ना ऐसे ही आते रहते हैं। अरे मेरे घर में पड़े हैं। सही है, मेरे को कभी क्यों नहीं खिलाया। उसको लेके फायदा तब है जब चटनी बनाएगी, चटनी पर ऐसे भी। आई डोंट थिंक सो कि आप भांगुल मैं ले आऊंगी। मैं भांगुल ढूंढने का तरीका होता है गिरोई गिरोई ना गिरोई और गिलोई 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 गिलोई। अगर आपको हाई फीवर है तो आप गिलोई मिला के पियो तो उससे आज का फीवर उतर जाएगा और इम्यूनिटी बूस्ट होगा। ये कोविड के टाइम तो लोगों ने बहुत पिया है। मैंने कोविड के टाइम बहुत यूज किया है। आपको नेचुरली भी पीना चाहिए बुखार में। मैंने खा रखा पैरासिटामोल, बाद में आया था पैरासिटामोल, ये पहले आया था पैरासिटामोल। तो अब हम मोमोज खाने जा रहे हैं, पहाड़ी मोमोज। प्रियंका का देख राज वाले घूमके क्यों मार रहे हैं? और तेरे पैरों में क्यों गैप आ गया? कैसा लगा? शक्ति कपूर ले लिया। चोरों की तरह घूम रहा है तू, बोलने में निकाल दो फिर। जरूर जरूर जरूर, तुम भी आ जाओ भाई, तुम भी आ जाओ, एक फोटो खींच ले। आएगा कहाँ से? यहाँ पे कहाँ से? महिपाल महिपाल महिपालपुर दूर है यहाँ से। महिपालपुर दूर है, रास्ता नहीं। अग्रवाल जी थे हमारे साथ है, अभी तो है एक उत्तराखंडी राजस्थानी कहाँ से मिल गए? वी बोथ आर डांसर्स। यस काशी विश्वनाथ की जय। बाबा काशी विश्वनाथ की जय। और हर अरे
हेलो भैया। हेलो गाइस, मैं कोचिंग में आया हूँ। कैसे भैया? देखा आपका बेटा यहाँ पे आते बताते भी नहीं हो है। अरे मुझे लगा तुम्हें बिजी रहोगे। अरे कहाँ बिजी, चलो आज आज घूमो साथ में। हाँ तो आज तो खत्म होने पाए। 50 की 3 है, 50 की 3 लग रहा है। रेडी करने के बाद जा रहे हैं थोड़ा चाय पीने। वो दिसंबर की ठंड में पसीना, लेकिन सीधा अब तो सूख गया। डांस इतना किया तो आएगा, मजा आ गया। सबको कॉथिंग में जाना चाहिए, स्पेशली पहाड़ी कॉथिंग अटेंड करना चाहिए सबको। वो तो है ही, हम आपको लोकेशन मेंशन कर देंगे अपने भाइयों में। लाइट जला दी मैंने, असली शक्ल आ रही है ना हमारी, अब असल दिखेगी सबकी। चाय बनते हुए जो असली था ना कल था, अरे कल तो बकवास था, परसों था असली। परसों अमित मत बोल तू, इतना अच्छा तो कलर है। फाइनली प्रियंका ने ये वाला चूज करा है, अच्छा लग रहा है वाला कलर, ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला ये अच्छा लग रहा है।